टाइप फोर बताएंगे, पार्ट वन पार्ट टू अगर नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पे मिल जाएगा लिंक, वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज सवाल हम वैसा सीखेंगे जब दो व्यक्ति काम को शुरू करता है, यानी एक व्यक्ति पहले काम शुरू कर दिया और दूसरा व्यक्ति कुछ दिन के बाद शामिल होता है, तो उस काम को कितना जल्दी खत्म करेगा। तो आइए जैसे कि सवाल देखिए, अमित और राजू किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो सवाल को समझ लिए होंगे कि अमित और राजू है, वह किसी काम को जो है कि 10 दिन में करता है अमित, और राजू करता है 15 दिन में काम खत्म करता है। लेकिन बात यह है कि इस प्रश्न में जो है कि 5 दिन, राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल होता है, यानी कि 5 दिन राजू काम कर लेता है तब जाकर के अमित शामिल होता है। तो जैसा कि पार्ट वन पार्ट टू में पढ़े थे, सेम उसी तरह से लगाएंगे। अमित अमित कितने दिन में काम कर रहा है? अमित कर रहा है 10 दिन में। और राजू कितने दिन में कर रहा है? राजू कर रहा है 15 दिन में। ठीक, अब इन दोनों का टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये क्या होता है? टोटल वर्क यानी कि टोटल कार्य हो गया। अब यहां निकलेगा एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य यानी कि इसको हम क्षमता कहते हैं। तो अब देखिए ए जो है कि 10 दिन में कार्य जो कि 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? वह 3 काम करेगा। ए ने 10 दिन में 30 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब देखिए राजू, राजू जो है कि 15 दिन में, राजू 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 2 काम करता होगा। अब सवाल में कह दिया कि राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो जाता है, तो राजू के काम 5 दिन, तो यानी कि राजू ये पहले इसको कम करा दीजिए, राजू को 5 दिन कम करा दीजिए। जब ये 5 दिन राजू कम करेगा तो कितना कम करेगा? राजू कितना एक दिन में कम करता है? 2 काम। तो 5 दिन में कितना काम हो गया? 10 काम। ये 10 काम राजू अकेले कर देता है तब अमित शामिल होता है, यानी कि यहाँ हम 10 इसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब कितना बचा? 20 काम बचा, 20 काम बचा। अब इसी काम को दोनों पूरा करेगा, दोनों मिलकर पूरा करेगा। देखिए शामिल हो जाता है यानी कि 5 दिन के बाद शामिल होता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? जब दोनों मिलेगा तो एक दिन कितना कार्य हो जाएगा? 3 × 2 = 5, यानी कि 5 से। अब ये यानी कि आप जानते हैं कि समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, तो ये कुल कार्य इतना बचा था, अब बटे क्षमता 5 हो गया, दोनों मिलकर काम करेगा, तो इसको कटा दीजिए, 5 × 20 यानी कि 4 दिन में। अगर कहता कि अमित जो कि शेष काम को कितने दिन में किया, तो 4 दिन में, लेकिन काम कितने दिन में पूरा हुआ? काम हो गया 5 + 4 यानी कि 9 दिन में काम समाप्त हो गया, 9 दिन में, क्योंकि 5 दिन पहले किसने किया था? राजू ने, और उसके बाद आकर के साथ में मिलकर दोनों ने, राजू और अमित ने काम खत्म किया 9 दिन में। तो 5 दिन ये जुड़ जाएगा और 4 दिन ये जुड़ जाएगा, तो 9 दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए टाइप नंबर 4 का सवाल नंबर 2। ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, उन दोनों ने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया और तब ए चला गया, तब शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो सवाल को समझ लेंगे, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए ने 25 दिन में उस काम को खत्म कर सकता है और बी ने उसे 20 दिन में काम खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर जो है कि 5 दिन तक काम किया, कितना दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया दोनों मिलकर। उसके बाद जो है कि ए चला जाता है, ए चला जाता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सेम वही जैसा पार्ट वन पार्ट टू बताए हैं, लिखेंगे ए, ए कितने दिन में काम कर रहा है? 25 दिन में ए काम कर रहा है, 25 दिन में, और बी कितने दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में। तो इसका टोटल काम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क कितना जाएगा? 100, यानी कि एलसीएम निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम 100 हो गया, और यह क्या हो गया? टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो गया। अब ए 25 दिन में 100 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? ये एक दिन में कितना काम करता होगा? 25 × 100 यानी कि एक दिन में 4 काम करता होगा। बी 20 दिन में 100 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा?
बीस पंचे सो, पांच काम करेगा। अब सवाल में कहा है कि दोनों मिलकर एक साथ पांच दिन तक काम करता है। जब दोनों मिलकर एक साथ पांच दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, काम कितना कर लेगा, यानी कि पांच गुना इन दोनों को जोड़ दीजिए, नौ पचे पैतालीस, यानी कि ये दोनों दोनों मिलकर कर रहा है तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, बी कर रहा है एक दिन में पांच काम और ए कर रहा है एक दिन में चार काम, पांच चार नौ काम हो रहा है प्रत्येक दिन, तो पांच दिन में कितना काम हो जाएगा, नौ पचे पैतालीस काम दोनों ने पांच दिन के अंदर कर दिया, तो पैतालीस काम इसमें घटा दीजिए तो कितना बच गया, अब यहाँ पे बच गया आपका पचपन। हाँ तो कितना बच गया यहाँ पे, पचपन बच गया। अब ये पचपन को कम कौन करेगा, बी, जैसा कि पूछा है तो ये शेष कार्य बचा है, क्या बचा, ये शेष कम कितना बच गया, शेष कम बच गया आपका पचपन, और यही पचपन कम कौन करेगा, बी करेगा, तो बी एक दिन में कितना कम करता है, पांच कम करता है बी एक दिन में, तो पचपन कम काम को खत्म करने में उसे कितना दिन लगेगा, ग्यारह पचे पचपन यानी कि ग्यारह दिन, तो वह 11 दिन में बी ने काम को समाप्त कर देगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तीन नंबर सवाल देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला 10 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देता है, तो ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा। सवाल को समझ लिए होंगे आप, कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में समाप्त यानी पूरा कर सकता है, बी अकेला 10 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देता है, तो ए शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो क्या करेंगे, जैसा कि सभी बनाते हुए आ रहे हैं, तो ए कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है, तो दोनों का सॉरी ये जो है कि 25 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में काम कर रहा है, 10 दिन तक उसने काम करता है लेकिन 25 दिनों में समाप्त करता है। सवाल को समझ लिया है बढ़िया से, यानी कि ए एक काम को 20 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 25 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल कार्य कितना जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 100, यानी कि टोटल वर्क हो गया आपका 100। अब ए 20 दिन में 100 काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 5, और बी 25 दिन में 100 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 4 करेगा, ठीक। अब कह रहा है कि बी अकेले 10 दिन तक काम करता है, बी अकेले कितने दिन तक काम करता है, 10 दिन तक काम करता है, यानी कि एक दिन में बी कितना काम करता है, 4 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 40 काम करेगा, यानी कि 4 × 10 तो कितना काम कर दिया, ये 10 दिन में 40 काम कर दिया, तो अब इसमें क्या करिए, घटा देते हैं, तो शेष कितना बच गया, शेष काम बच गया 60, शेष काम कितना बच गया 60। अब ये 60 काम जो बचा कौन करेगा, यहां कर रहा है, तो ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। आप जानते हैं कि कुली कार्य बटे कुली क्षमता, तो एक दिन में 5 काम करता है तो 60 काम खत्म करने कितना दिन लगेगा, 12 पंचे 60, यानी कि ए जो है कि वह 12 दिन में काम समाप्त कर देगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ए अकेला 12 दिन में काम समाप्त कर देगा। अगर पूछता पूरा काम कितने में खत्म होता तो ये और ये क्या होते हैं, 10 काम दोनों जुड़ जाता। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, वैसा सवाल भी आएगा। सवाल नंबर 4 है, हरि एक काम को 20 दिन में तथा जितेंद्र उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, तब हरि काम छोड़कर चला गया, शेष काम को जितेंद्र अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो सवाल को समझ लिए होंगे, कह रहा है कि हरि एक काम को 20 दिन में करता है और जितेंद्र उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया और दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, तब हरि काम छोड़कर चला गया, शेष काम को जितेंद्र कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बस वही लगाएंगे नियम, हरि यानी इसको एच मान लेते हैं, हरि
20 दिन में काम खत्म कर रहा है और जितेंद्र इसे जे मान लेते हैं, ये कितने दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क हो गया 60। अब हरि 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, 20 या 60, यानी कि 3 काम करेगा। जितेंद्र 30 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा ये, 30 × 60 यानी कि 2 काम करेगा। अब सवाल कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, जब दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 काम होगा, यानी कि हरि प्लस जितेंद्र दोनों मिलकर काम कितना दिन करता है, 8 दिन तक। और एक दिन में दोनों जब मिल जाएगा, जितेंद्र एक दिन में 2 काम करता है और हरि एक दिन में 3 काम करता है, 3 × 5 काम हो जाएगा, दोनों मिलकर काम करेगा, चलिए 5 काम हो गया। और कितने दिन तक काम किया है, 8 दिन तक काम किया है, तो 8×5 = 40, यानी कि 40 काम खत्म कर दिया कौन, दोनों मिलकर, तो 40 काम इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना काम बच गया, ये 20 काम शेष बच गया, 20 काम शेष बच गया। यही शेष काम को कौन करेगा, देखिए शेष काम को जितेंद्र अकेले कितने दिन में करेगा, तो जितेंद्र अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो जितेंद्र के लिए ये जो काम होगा, जितेंद्र 20 काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, जबकि वह एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 से इसमें भाग दे दीजिए, यानी कि समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता, तो जितेंद्र का क्षमता 2 है, तो इसको कटा दीजिए, ये 10 दिन में समाप्त कर देगा कौन, शेष काम को जितेंद्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये टाइप नंबर 4 था, अब टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे, इसे जल्द से जल्द खत्म करके अगला अनुपात एवं समान अनुपात बताएंगे, उसके बाद परसेंटेज, जो कि मैथ का जड़ बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले टाइप लेकर के, उसे बड़ा वीडियो बना के खत्म कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।